आप इस मेमने की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर आप अपनी बेटी को नहीं मार सकते तो मैं तैयार हूँ, मेरी कुर्बानी दीजिए। यीशु सही कहता है, सारे जीव एक समान है। अरे मैं भी तैयार हूँ। अब बताइए गुरुजी, किस किस की कुर्बानी देंगे आप? देखा गांव वालों, देखा आप लोगों ने, मैंने तो आप लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी और ईश्वर का संदेश आप लोगों तक पहुंचाया था, लेकिन देखो देखो ये सब बच्चे इस यीशु की बोली बोलने लगे हैं, इस यीशु की। मैं तो दिल से चाहता हूं कि मेरे कुएं का पानी आप सब लोग इस्तेमाल करें, मैं अपने कुएं का पानी आप लोगों के साथ साझा करूं, परंतु अब ईश्वर के आदेश का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता मैं। क्षमा चाहता हूं मैं आप सब लोगों से कि मैं आप लोगों को अपने कुएं के पानी के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता। बस प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु आपके इस संकट में आपका साथ दे। क्षमा करें। ये तुमने ठीक नहीं किया यीशु, पूरे गांव को पानी देने की जगह उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा है तुमने। जब भी मुश्किलें आई तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई इसका निदान होता था, लेकिन इस मुश्किल से निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया माँ? बेटा, जब आसान और सही रास्ते में से कोई एक रास्ता चुनना हो तो हमेशा लोग आसान रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सही रास्ते पर कठिनाइयां ज्यादा होती है, लेकिन तुमने आसान और सही रास्ते में से सही रास्ता चुना है, तभी तो मेमना अभी भी जिंदा है।
पानी दो ना, बहुत प्यास लग रही है। क्या करूं बेटा, घर में एक ही मटका पानी बचा है। हमारे 10 लोगों के परिवार में सिर्फ 2 ही मटका पानी बचा है। मेमने को तो तुमने बचा लिया, लेकिन कल को मेरे परिवार में कोई प्यासा मर गया तो? मुझे परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है माँ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे भरोसे पर पूरा भरोसा है यीशु, और तुम पर भी। घर में बस एक मटका ही पानी बचा था, ये रहा आपके हिस्से का पानी। अपने हिस्से का पानी मैंने अलग से अपने कमरे में रख लिया है। भाभी, आपका और हमारा हिस्सा कब से अलग हो गया? परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर हम सब ने उसका मिलकर सामना किया है, और मुझे पूरा विश्वास है पानी की इस समस्या का अगर हम सब ने मिलकर सामना किया तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक परिवार की तरह समस्याओं का समाधान कहां होता है यहां मैरी? यहां तो यीशु की गई गलतियों में बार बार हमें घसीटा जाता है। अगर यीशु ने रब्बी गुरुजी की बात मानकर मेमने की बलि दे दी होती तो पूरे गांव वालों के साथ साथ हम भी उस कुएं से पानी भर के ला सकते थे, पानी की इतनी किल्लत ना होती। भाभी जरा एक बार सोचिए तो, अगर रब्बी गुरुजी ने आपके बच्चों में से किसी बच्चे को कुर्बानी देने के लिए कहा होता तो क्या वो कर पाते? कैसे नहीं करते, मैं करवाती उनसे, लेकिन आप लोग तो हमेशा यीशु की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे वो आप दोनों का बच्चा नहीं, आप दोनों उसके बच्चे हैं। वैसे मारिया कुछ गलत नहीं कह रही है भाई, अरे कम से कम आप दोनों को तो समझाना चाहिए था यीशु को कि पानी की समस्या कितनी गंभीर है। अब देखिए उसकी जिद की कीमत पूरे गांव वालों को चुकानी पड़ रही है। बस बहुत हो गया, यीशु की गलतियों का खामियाजा भुगत भुगत कर थक चुके हैं हम लोग, अब और नहीं। मैं आज से अभी से कह देती हूँ, भले आज हम इस छत के नीचे एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं, लेकिन आज से हमारा परिवार अलग और आपका अलग। भाभी, मुझे मेरे पति और बच्चों के लिए जो समझ में आएगा मैं करूंगी, और आप दोनों को जो समझ में आता है वो करिए। मैरी, कैसे समझाएं इन लोगों को कि यीशु ईश्वर की संतान है, उसका जन्म ही लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए हुआ है, और ये लोग संसार के मसीहा को ही दोषी ठहरा रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ तय करके रखा है, समय आने पर खुद ब खुद सबको यीशु की सच्चाई पता चल जाएगी। पर कब आएगा सही समय मेरी? और जब तक वो सही समय आ नहीं जाता, तब तक क्या हम इस छत के नीचे 2 परिवारों की तरह रहेंगे?
ये तो बड़ी पीड़ाजनक बात होगी ना। ऐसा नहीं होगा। भाभी ने कहा है कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते, पर हमने तो नहीं कहा ना कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। बस ईश्वर करे ये पानी की समस्या जल्दी सुलझ जाए। मैरी, ये तुम आटे को वापस बर्तन में क्यों रख रही हो? अगर रोटी बनाने के लिए आटा सानूंगी तो पीने के लिए पानी, इसलिए सोचा कुछ और बना देती हूँ। मैरी, तुम चिंता मत करो, मैं पानी का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। गांव के बाहर जो तालाब है वहां जाकर पानी ले आता हूँ। थोड़ा रास्ता लंबा है मगर कम से कम पानी मिल जाएगा। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? यीशु, तालाब बहुत दूर है, तुम थक जाओगे बेटा। माँ, मुझे पिताजी के साथ जाने दीजिए ना, मैं पानी लाने में उनकी मदद करूँगा। फिर चाची आप लोगों से गुस्सा भी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन बेटा बाहर धूप बहुत है, ज्यादा देर तक धूप में मत रहना। जी माँ। ये लो, पकड़ो। आते हैं, चलो। अन्नू की हालत और भी घटती जा रही है, रात भर उल्टियाँ कर रहा था। क्या कहा रब्बी गुरुजी ने? उन्होंने ये औषधि दी है। बहुत अच्छा, जाकर जल्दी से मन्नू को ये औषधि दे दो। औषधि भी पानी के साथ ही खिलाना, और घर में बहुत कम पानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन्नू को अकेले छोड़कर कहाँ से लेकर आऊँ पानी। तुम चिंता मत करो, मैं और यीशु तालाब की तरफ जा रहे हैं पानी लेने, तुम्हारे लिए भी लेते आएंगे। चिंता मत करो मन्नू, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यीशु, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। हे परमपिता परमेश्वर, मन्नू और गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर दीजिए। ये बेमतलब का दिखावा मत करो यीशु। हम जो भुगत रहे हैं वो तुम्हारी वजह से भुगत रहे हैं। या तो प्यासे मरेंगे या कुएं का दूषित पानी पीकर मरेंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। नहीं, ऐसा मत कहिए, कोई नहीं मरेगा, परमपिता परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना पिताजी? हाँ बेटा, हाँ। परमपिता परमेश्वर किसी की प्रार्थना सुने या ना सुने, मगर तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। चले, हमें तालाब पर पानी लेने जाना है, मन्नू के लिए भी। चलो। बेटा, ये तालाब भी सूख गया है, कोई दूसरा इंतजाम करते हैं, चलो। लेकिन अगर हम पानी लिए बिना गए तो मनु और खिलाने वाले चाचा जी को क्या कहेंगे? मनु बीमार है,
उसे पानी की जरूरत है। वो देखिए वहां थोड़ा सा पानी है। मैं जानता हूं कि यीशु खुद प्यासा है, इतनी तेज धूप में पसीने पसीने हो रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह मन्नू के लिए पानी ले जा सके। यीशु, मन्नू ये पानी नहीं पी सकता बेटा। लेकिन माँ ने तो कहा था ना पिताजी कि किसी भी पानी को छानकर और उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा, हम लोग ये पानी पी सकते हैं, मगर मन्नू नहीं पी सकता, वो बीमार है ना। अगर पानी में अशुद्धि रह गई तो उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। मन्नू को पानी कैसे मिलेगा पिताजी? पापा, पापा। बेटा, हिम्मत मत हारना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यीशु पे भरोसा है ना तुम्हें? मैं तुम्हें औषधि पिलाता हूँ। लेकिन औषधि भी तो पानी में घोलकर पिलानी होगी। औषधि पी लो। क्या करूं मैं, अपने बीमार बच्चे की प्यास भी नहीं बुझा पा रहा हूं। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं पानी? पानी चाहिए। हाँ, निकालो बेटा, निकालो, जल्दी निकालो। रखो, लाओ लाओ बेटा, रखो रखो इसको। ले जाओ। और सुनो, और पानी की जरूरत पड़े तो मांग लेना, हिचकना मत। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि आपकी कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनी है। अरे, मैं तो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझे
ईश्वर ने संदेश दिया है कि मैं अपने कुछ चुनिंदा भक्तों को इस कुएं का पानी दे सकता हूं, और तुम उनमें से एक हो। लेकिन सुनो, गांव में किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें पानी दिया है, नहीं तो सबके सब यहाँ पर भीड़ लगा कर खड़े हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। जाओ जाओ, खुश रहो। ये आपने क्या किया रब्बी गुरुजी? आप जानते हैं कि आजकल हमारे गांव में पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा है, और आपने मटका भर पानी ऐसे ही दे दिया। ये मेरी कूटनीति का हिस्सा है। कितने सुकून की बात है कि एक छत के नीचे यीशु के परिवार में दरार आ चुकी है, और ये एक मटका भर पानी उस दरार को और भी गहरा कर देगा। प्रभु, तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया।